हेलो स्टूडेंट, आप लोग का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। और आज के हम इस वीडियो में आज हम इस क्लास में जो है क्लास नाइन के फिजिक्स यानी भौतिकी के चैप्टर 6 ध्वनि, जिसको इंग्लिश में साउंड कहते हैं, ठीक है, अति लघुतरीय प्रश्न को, ठीक है, बतलाएंगे। आप लोग शुरू से लेकर अंत तक इस वीडियो को देखिएगा, ठीक है। और इससे पहले आप किसी भी सब्जेक्ट का क्लास 9 में बायोलॉजी हो या फिर केमिस्ट्री हो या फिर फिजिक्स हो आप लोग, या फिर साइंस के कितने भी चैप्टर हो और सोशल साइंस के, आप लोग देख सकते हैं हमारे इस चैनल के माध्यम से। आप लोग सीधा जाकर प्लेलिस्ट में चेक भी कर सकते हैं। तो चलिए आज बिना कोई वक्त गवाए अपने क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 6 यानी ध्वनि का अति लघुतरीय प्रश्न को सॉल्व करेंगे इस वीडियो में, तो आप लोग वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका कि ध्वनि तरंगों को यांत्रिक तरंगे क्यों कहते हैं। ध्वनि तरंगों को यांत्रिक तरंगे क्यों कहते हैं, ये आपका क्वेश्चन हो गया। और इसका आंसर देखिए, इसका आंसर होगा क्योंकि ध्वनि तरंगों के संचरण के लिए द्रव्यात्मक माध्यम की आवश्यकता होती है। ये आपका आंसर होगा क्योंकि ध्वनि तरंगों के संचरण के लिए जो है द्रव्यात्मक माध्यम की आवश्यकता होती है, इसीलिए जो है इसको ध्वनि तरंगों को यांत्रिक तरंग भी कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है, अगला क्वेश्चन है कि तरंग कितने प्रकार की होती है, लिखें, यानी तरंग कितने प्रकार की होती है उसका नाम लिखना है। तो इसका आंसर देखिए आपका होगा कि तरंग दो प्रकार की होती है। पहला आपका है अनुप्रस्थ तरंग, ये आपका हो गया पहला अनुप्रस्थ तरंग, और दूसरा है अनुदैर्ध्य तरंग। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका कि वायु में ध्वनि तरंगे क्या होती है, वायु में जो है ध्वनि तरंगे क्या होती है। तो इसका आंसर होगा अनुदैर्ध्य, क्या होगा, अनुदैर्ध्य होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, चौथा नंबर प्रश्न है कि किसी माध्यम के कंपित कणों का माध्य स्थिति से महत्तम विस्थापन को क्या कहते हैं। क्वेश्चन है कि किसी माध्यम के कंपित कणों का माध्य स्थिति से महत्तम विस्थापन को क्या कहते हैं। तो इसका जो आंसर होगा आपका तरंग का आयाम होगा, क्या होगा, तरंग का आयाम। चलिए अगला प्रश्न, अगला आपका है 5 नंबर, क्या दो क्रमिक शीर्षों तथा गर्तों के बीच की दूरी को तरंग का तरंग दैर्ध्य कहते हैं। तो इसमें आपका आंसर होगा हाँ कहते हैं, ठीक है। दो क्रमिक के जो है शीर्षों तथा गर्तों के बीच की दूरी को जो है तरंग का तरंग दैर्ध्य कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर सिक्स है कि देखिए अगला ये प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 6, क्या प्रकाश तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे हैं, क्या प्रकाश तरंगे अनुप्रस्थ तरंग हैं। तो इसका आंसर होगा हाँ। अगला प्रश्न 7 नंबर, किसी तरंग की चाल किन दो राशि पर निर्भर करती है, किसी तरंग की चाल किन दो राशि पर निर्भर करती है। तो इसका आंसर होगा तरंग की आवृत्ति और तरंग दैर्ध्य पर, क्या होगा, तरंग की आवृत्ति और उसके जो है तरंग दैर्ध्य पर निर्भर करती है। चलिए अगला प्रश्न आपका है क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 7 तक देखे थे, क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है कि एक व्यक्ति अपने मित्र के जो है साथ चंद्रमा पर गया, ठीक है, एक व्यक्ति जो है अपने मित्र के साथ चंद्रमा पर गया, क्या वह व्यक्ति अपने मित्र द्वारा ध्वनि को सुन सकता है। तो इसका आंसर होगा आपका नहीं। क्यों नहीं सुन सकता, क्योंकि जो चंद्रमा पर होता है वहाँ पर ध्वनि सुनाई ही नहीं पड़ता है, क्योंकि वहाँ पर कोई वायुमंडल ही नहीं है, वायुमंडल नहीं है यानी माध्यम नहीं है, तो कैसे हम किसी ध्वनि को सुन सकेंगे। तो इसका जो राइट आंसर होगा नहीं होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, किसी ध्वनि की तरंग की आवृत्ति तथा तरंग दैर्ध्य उसकी चाल से किस प्रकार संबंध है। तो इसका आंसर होगा कि ध्वनि तरंग की चाल जो है तरंग दैर्ध्य गुना आवृत्ति होता है, क्या होता है, तरंग दैर्ध्य गुना आवृत्ति। चलिए अगला क्वेश्चन
अगला क्वेश्चन है, आवर्ती और आवर्तकाल में क्या संबंध है? आवर्ती तथा आवर्तकाल में क्या संबंध है? तो इसका आंसर होगा आवर्ती हमेशा आवर्तकाल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। आवर्ती जो है हमेशा जो है आवर्तकाल के क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती। जैसे ये मान लीजिए आवर्ती हो गया, ये आपका आवर्ती, ठीक है, ये आपका आवर्ती हो गया, आवर्तकाल के व्युत्क्रमानुपाती, ये जो है आवर्तकाल हो गया इसका व्युत्क्रमानुपाती, यहाँ पर आपका होगा, यहाँ पर आपका क्या होगा? आवर्तकाल होगा। यानी ये देखिए इसका जो है ये समानुपाती है, लेकिन ये इसका जो है व्युत्क्रमानुपाती है। क्वेश्चन नंबर 11, क्या किसी माध्यम में ध्वनि की चाल माध्यम के ताप पर निर्भर करती है? तो इसका आंसर भी होगा हाँ। चलिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 12, वायु जल तथा लोहे में किस माध्यम में ध्वनि की चाल सबसे तेज होती है? तो इसका आंसर जो होगा लोहे में होगा। किस में होता है? लोहा में जो है सबसे तेज होता है ध्वनि की चाल। चलिए अगला क्वेश्चन 13 नंबर, तरंग का कौन सा गुण प्रबलता और तारत्व को निर्धारित करता है? तरंग का कौन सा गुण जो है प्रबलता और तारत्व को निर्धारित करता है? तो इसका आंसर देखिए, ध्वनि की गुणता वह अभिलक्षण है, ठीक है, जो हमें समान तारत्व तथा प्रबलता की दो ध्वनियों में अंतर करने में मदद करता है, ठीक है, ये आपका आंसर होगा ध्वनि की गुणता वह अभिलक्षण, ठीक है। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, तो आपका क्वेश्चन नंबर 14 हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 है कि क्या आप बता सकते हैं कि सितार तथा, ये आपका हो गया सितार तथा कार में, जो है सितार तथा कार में किसके द्वारा ध्वनि का तारत्व सबसे अधिक होता है? सितार में जो है लगा रहता है वॉल्यूम जिसका निकलता है आवाज, और कार के हॉर्न में किसके द्वारा ध्वनि का तारत्व सबसे अधिक होता है? तो इसका आंसर होगा, इसका आंसर क्या होगा? आंसर होगा सितार में। क्यों होगा सितार में? क्योंकि सितार में जो है इसका तारत्व सबसे अधिक होता है, इसीलिए इसका जो है सितार का आवाज़ जो होता है वह पतला होता है, किसके अपेक्षा? कार के हॉर्न की अपेक्षा। क्वेश्चन नंबर 15, सामान्य मानव कान के लिए सर्वथा प्रास क्या है? तो 20 Hz से 20,000 Hz तक, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, दिए गए ध्वनि से संबंधित आवृत्तियों का प्रास लिखें। तो आपका देखिए पहला है अपसरब तरंगे, यानी अपसरब तरंग को अपसरब प्रास भी बोल सकते हैं, अपसरब तरंगे, और दूसरा है प्रसरब तरंगे। तो अपसरब तरंगे आपका जो है 20 Hz से कम होता है, और ये प्रसरब तरंग है तो 20,000 Hz से अधिक होता है। चलिए अगला प्रश्न, हैट्ज किस राशि का मात्रक है? तो इसका सीधा सी आंसर होगा आवृत्ति का। क्वेश्चन नंबर 18, प्रतिध्वनि किसे कहते हैं? ये आपका बहुत शॉर्ट क्वेश्चन है, यानी इजी क्वेश्चन है। तो प्रतिध्वनि किसे कहते हैं? तो ये देखिए प्रतिध्वनि क्या होता है, किसी विस्तृत अवरोध से ध्वनि के प्रावर्तित होकर उसे पुनः सुने जाने की घटना को प्रतिध्वनि कहते हैं। ये आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, 20 Hz यानी हैट्रेज से कम आवृत्ति वाली ध्वनि को क्या कहते हैं? तो इसका जो आंसर होगा अवसरब ध्वनि। चलिए क्वेश्चन नंबर 20, ध्वनि के विहुल, यहाँ पर होगा ध्वनि के विहुल परावर्तन के उपयोग के कोई दो उदाहरण को लिखें। तो ध्वनि के विहुल का दो उदाहरण होगा, पहला आपका होगा बिगुल और दूसरा आपका लाउड स्पीकर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 को देखिए, क्वेश्चन नंबर 21 है, ध्वनि की आवृत्ति 500 Hz है यानी हैट्रेज, ठीक है, 500 Hz, तो आवर्तकाल का मान क्या होगा? आवर्तकाल का मान क्या होगा? आवृत्ति जो होता है एक बटा आवर्तकाल होता है, एक बटा आवर्तकाल, तो आपका आवृत्ति दे दिया है 500, तो आवर्तकाल क्या होगा? तो आवर्तकाल में आपका आंसर होगा 0.002 सेकेंड, ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा।
चलिए लास्ट प्रश्न, एक 22 नंबर। एक ध्वनि तरंग के आवर्तकाल का मान जो है 0.01 सेकेंड है, ये आपका आवर्तकाल है, ठीक है, आवर्तकाल है, ठीक है। और ध्वनि तरंग की आवृत्ति क्या होगी? तो आवृत्ति होता है 1/आवर्तकाल। तो 1/आवर्तकाल, आवर्तकाल का मान दिया हुआ है 0.01 सेकेंड, देखिए यहाँ पर दे दिए हैं। अब जब 1/0.01 सेकेंड करेंगे तो इससे जब हटाएंगे तो इसमें जो है हो जाएगा, तो आपका ये कटकर आ जाएगा 100Hz, ठीक है, ये 100Hz। तो इस प्रश्न के, इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। आप लोग को यह वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब। तो आगे अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे लघु तरीके में।